मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पहला लेसन सूर्यास्त का शुरू करवाया था, जिसके अंदर हमने उनका जो पहला पद था उसके बारे में बात की थी। पहले पद के अंदर ये बताया था कि राधा और कृष्ण जी जब पहली बार मिलते हैं तो उनके बीच जो अपरिचय की दीवार है वो कृष्ण जी के द्वारा उठाई जाती है, और उसके बाद में वो अपनी चतुर्चालाक बातों के अंदर भोली भाली राधिका जी को मना लेते हैं और जोड़ी बनाकर खेलने के लिए तैयार कर लेते हैं। आज हम उससे अगले पद शुरू कर रहे हैं। अब जो इस पाठ के आगे के तीन पद हैं वो तीनों पद सूरदास जी की भ्रमर गीत से लिए गए हैं। अब देखिए इन पदों को भ्रमर गीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि उद्धव जी जो थे उनको अपने योग ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड था, तो उनके इस घमंड को दूर करने के लिए कृष्ण ने योग का जो संदेश है वो गोकुल में जाकर गोपियों को देने के लिए कहा। तो उद्धव जी अपने योग का संदेश जो है या निर्गुण ब्रह्मा का जो संदेश था वो लेकर गोकुल में जाते हैं और गोपियों को वो योग संदेश देते हैं। लेकिन गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण के प्रेम और भक्ति के अंदर सम्मोहित थी, उनके अलावा उनको और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने उद्धव जी पर उस योग साधना को लेकर ऐसे ऐसे व्यंग्य बाण छोड़े कि जिससे कि उद्धव जी जो है निरुत्तर हो गए और वो भी कृष्ण भक्ति के अंदर डूब गए। तो ये जो कटाक्ष और जो व्यंग कर रही थी गोपियाँ जिस समय, उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ जाता है और उस भौरे को संकेत करके गोपियों ने उद्धव जी से अपनी व्यंग भरी बातें कही। इसीलिए इन पदों को भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। तो हम भ्रमर गीत का जो पहला पद है और इस पद का दूसरा पद, पहला पद हमने करवा दिया था और दूसरा जो पद है वो शुरू कर रहे हैं। इस दूसरे पद के अंदर गोपियाँ जो हैं वो उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव जी, कृष्ण अपने रूप माधुरी से हमारे मन को चुरा ले गए और हम उनकी विरह वेदना के अंदर अब व्याकुल हैं। तो इसी बारे में इस पद के अंदर हम बात करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं वो कि मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर का मतलब होता है भौरा, भौरा। लेकिन यहाँ पर जो मधुकर है वो किसको कहा गया है, उद्धव जी को कहा गया है। श्याम का मतलब कृष्ण, अर्थात गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवनी में, मन हर लियो अर्थात हमारे मन का उन्होंने हरण कर लिया। तनक, तनक का मतलब होता है थोड़ी थोड़ा सा, और चितवन का मतलब होता है दृष्टि। तो उन्होंने हमारे मन को हर लिया थोड़ी सी दृष्टि के अंदर। चपल नैन की कौर, चपल का मतलब होता है चंचल, और नैन की कौर का मतलब नेत्रों के कटाक्ष। अर्थात मन हर लियो तबक चितवनी में, अर्थात उन्होंने थोड़ी सी दृष्टि के अंदर ही मन हमारा हरण कर लिया। चपल नैन की कौर अर्थात अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष के द्वारा हम सभी गोपियों का मन जो है उन्होंने हरण कर लिया, अर्थात हमारे मन को उन्होंने चुरा लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, अर्थात हमने उनको अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा है। प्रेम प्रीति, प्रीति का मतलब होता है स्नेह, अर्थात हमने श्री कृष्ण को अपने प्रेम और स्नेह के जोर से अपने हृदय के अंदर पकड़ रखा है।
बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। गए छड़ाई, छड़ाई का मतलब छुड़ा करके, छड़ाई का मतलब होता है छुड़ा कर। तो गए छड़ाई तोरी, तोरी का मतलब तोड़कर। सब बंधन अर्थात श्री कृष्ण जो है बड़े ही चतुर और बड़े ही बलशाली निकले, और जो भी हमारे जो बंधन में बांध रखा था हमने वो सभी बंधनों को छुड़ा करके और सभी बंधनों को तोड़ करके वो यहाँ से चले गए। और हमरे फिर न फिरे
भागते हो भी वापस लौट कर नहीं आए। आगे कहती हैं कि जिते पथिक पठे मधुबन को, पथिक का मतलब राहगीर, पठत का मतलब गए, मधुबन का मतलब मथुरा के अंदर, अर्थात जिते पथिक पठे मधुबन को, अर्थात जितने भी हमारे राहगीर जो थे जो मथुरा को गए थे, बहुरी ने शोध करे, अर्थात वो वापस लौट करके नहीं आए हैं। आगे कहती हैं गोपियां उद्धव जी से कि केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, केवे श्याम, श्याम का मतलब कृष्ण, सिखाई का मतलब सिखा दिया, और प्रमोदे का मतलब होता है वश में करना, अर्थात केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, या तो हो सकता है श्री कृष्ण ने उनको सिखाकर समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया है, और के कहूं बीच मरे, अर्थात या जो थे हमारे संदेश वहां वो बीच रास्ते में ही मर गए होंगे। दोबारा देख लीजिए इसको, केवे श्याम सिखाई प्रमोदे, भाई या तो श्री कृष्ण ने हमारे उन संदेश वाहकों को सिखा करके अपने वश में कर लिया, और के कहू बीच मरे, या हो सकता है वो बीच में ही मर गए हो, या आगे हो सकता है ऐसे कहती है कि कागज गरे मेघ, अर्थात ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हमें पत्र नहीं भेजा, कि कागज जो थे मथुरा के वो सभी बरसात के अंदर गल गए होंगे, मसी खूटी और शाही हो सकता है खत्म हो गई होगी, सर दबल आ गई जरे, और सरकंडे जो होते हैं जिनसे कलम बनाई जाती है वो शायद दबल आ गई, यानी जंगल की जो आग होती है उस जंगल की आग के अंदर जल करके खत्म हो गए होंगे। आज कहते हैं सेवक सूर्य लिखन को बांधो, अर्थात सेवक जो थे वो शायद अब उनको पत्र नहीं लिख सकते, पलक कपाट अरे, यानी कि जो सेवक थे उनके जो कपाट हैं नेत्रों के वो सारे बंद हो गए हैं, इसलिए शायद उन्होंने आगे हमें पत्र नहीं लिख करके भेजा है। तो ये दो पद थे, अगला जो आखिरी पद पत्र है भ्रमर गीत का वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।